हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश होगे। दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ, जो मैं आज इस गेहूं के आटे से बनाऊंगी। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है, बस 5 मिनट भी नहीं लगते और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं 1 कटोरी गेहूँ का आटा डालूंगी और ये चावल का आटा है, ये भी मैं इसमें 4 चम्मच डालूंगी। इससे क्रिस्पी बनती है हमारी ये रेसिपी। और मैं अभी 2 चम्मच सूजी भी डाल देती हूँ, इससे और भी अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा, क्रिस्पी। बस 2 चम्मच। और चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, जैसा भी आप मीठा पसंद करते हो। तो मैं इसमें बस ये छोटी कटोरी से थोड़ा सा कम है 1 कटोरी में, तो मैं इसमें सैलरी डाल दूंगी। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा पॉपी सीड्स, इसे खसखस भी कहते हैं। इस टाइप के ये दाने रहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस रेसिपी में। दोस्तों, आज मेरा तबीयत कुछ ख़राब है, मुझे फीवर है, इस वजह से आवाज़ आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। और मैं इसमें डाल रही हूँ ये सूखा नारियल था, मैंने इसे कट कर लिया बारीक। और ये किशमिश है और ये सौंफ है बारीक वाले, इसमें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जब हम लोग खाते हैं, बीच में आएगा ये नटी फ्लेवर, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारे चीज़ को मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब मैं ये पानी ले ली, मैंने पानी की सहायता से मैं इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी। हल्का हल्का पानी डालते जाए, आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, और भी ये थोड़ा टेस्टी लगने लगेगा। मैं आज ये पानी से ही बना रही हूँ। तो दोस्तों, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, इस टाइप का गाढ़ा रहना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा बहुत ठीक, बस इस टाइप का बैटर हमारा रहना चाहिए। तो मैं इसे ढक के 2 मिनट के लिए रख देती हूँ कि ये अच्छे से सेट हो जाए, इसे ढक दे। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, अब मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है बनके, पूरा अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो हाथों को हल्का सा गीला कर ले। उसके बाद इस बैटर में से हाथों से लेते हुए इस टाइप से आप डालते जाएं। बहुत अच्छी लगती है दोस्तों ये रेसिपी, हमारे यहाँ नवरात्र में ये रेसिपी जरूर से बनाई जाती है। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो हम लोग हमेशा ये बनाते हैं रेसिपी। आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हो, हाथों से भी डाल सकते हो, मैं हाथों से ही डाल रही हूँ, बस गोल गोल डालना है, इसे टच अभी बिल्कुल ना करें, एक बार में ज़्यादा ना डालें, जितना आपके कढ़ाई में आ पाए उतना ही डालें। अभी ये फूलेगा भी थोड़ा थोड़ा, मैंने इतना डाल दिया है, अभी इसे टच नहीं करूँगी, हल्का सा से होने दे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे पलट लूँगी। इसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, मॉर्निंग के टाइम बहुत जल्दी जल्दी रहता है, तो आप ये रेसिपी जब भी उन्हें कुछ मीठा खाने का मन हो तो ये आप दे सकते हो। मैं अपने बच्चों के टिफिन में हमेशा ही ये रेसिपी देती हूँ बना के, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर बैटर आपका पहले से रेडी हो तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये फट से फ्राई हो जाएंगे। तो नीचे से सीख गए हैं, देखिए अपने आकार से थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, गरम गरम तो ये और अच्छा लगता है खाने में, ठंडा भी इसे आप खा सकते हो। ठंडे के मौसम में तो आप इसे बना के 2 से 4 दिन तक एंजॉय कर सकते हो, ये ख़राब भी नहीं होते हैं।
अभी तो गर्मी है तो ख़राब होने का डर रहता है, तो आप इसे 24 घंटा रख के खा सकते हो। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में यमी से। इसे हम गुलगुला कहते हैं, आप इसे क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। दोनों तरफ से बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, तो इसे मैं अब निकाल लूंगी। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसे मैंने निकाल लिया है और मैं सेकेंड बैच का भी डाल दूँगी इसी टाइप से। तो रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक जरूर करें। जब भी कुछ अच्छा बनाओ तो बच्चों को भूख पहले लग जाती है। मेरे बच्चे आवाज़ देने लगे हैं कि मम्मी बन गया कि नहीं, तो मैं फटाफट से बनाती जा रही हूँ। सेकंड बैच का भी हमारा बन चुका है। इसकी खुशबू इतनी प्यारी सी लग रही है कि नीचे तक इसका खुशबू जा रहा है। बच्चे समझ गए कुछ स्पेशल बन रहा है। तो दोस्तों एक कटोरी गेहूं के आटे से कितने सारे मेरे गुलगुले बन के रेडी हो गए। मैं इसे दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी हैं, देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत हॉट है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।